आज हम बात करेंगे भारत नेपाल के बीच प्रचंड दोस्ती पर। वो दो देश जिनमें रोटी बेटी का संबंध रहा है, एक मुद्दे पर खफा खिंचे खिंचे रहने लग गए, लेकिन ये दरार अब खत्म होती नजर आ रही है। हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव में हो रहे हर दिन आ रहे एक से एक बढ़कर तस्वीरों की। मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी शो के दौरान ही अपने बालों का मेस टेस्ट कराया। आपको रूस के राष्ट्रपति दिलफेक अदा उनकी और नौ दुल्हनों के साथ उनकी सेल्फी दिखाएंगे। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत भारत और नेपाल के डैमेज होने के बाद रफू होते रिश्तों से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और नेपाल दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के साथ नेपाल की सबसे लंबी खुली सीमा साझा होती है और नेपाल के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक तौर पर घनिष्ठ रहे हैं। Deep rooted historical ties and civilizational linkages. Shared rivers, the open border, timeless people to people ties bind our two nations closely. वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी कहा कि उनकी बतौर प्रधानमंत्री ये दूसरी भारत यात्रा है। हालांकि तब और अब में परिस्थितियां बदली हुई हैं। प्रचंड ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। But the context and circumstances of the two visits are vastly different. This morning, immediately after the ceremonial reception at the forefront forecourt of राष्ट्रपति भवन, I visited राजघाट to pay tribute to महात्मा गांधी। दोनों देशों के बीच तीन समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। ये समझौते नेपाल में सड़कों के निर्माण और भूकंप के बाद नेपाल में रिकंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। पहला एमओयू नेपाल के तराई में सड़कों के अपग्रेडेशन से जुड़ी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। दूसरा एमओयू नेपाल में भूकंप के बाद के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ी संशोधित डॉलर क्रेडिट लाइन का है। नए डॉलर क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट में 750 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मदद नेपाल को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए दी जाएगी। पुष्प कमल दहल प्रचंड का यह भारत दौरा डिप्लोमेटिक नजरिए से काफी अहम है। पिछले महीने की 4 तारीख को प्रचंड ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और पहले विदेश दौरे के तौर पर उन्होंने भारत को चुना, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत और नेपाल के संबंधों में दरार पड़ रही थी। प्रचंड अपने इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करना चाहते हैं, साथ ही भारत की मदद से नेपाल को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। I share with Prime Minister Modi ji how inspired we are by India's growth and prosperity under his strong and bold leadership. We talked happily about the tremendous progress India has made in economic transformation, science, technology, communication, research and innovation. प्रचंड ने यह भी कहा कि नेपाल भारत की वैश्विक उपस्थिति को देखकर खुश हैं और दुनिया के मंच पर नेपाल हमेशा भारत के साथ खड़ा है। इंडिया इज राइजिंग इन इट्स ग्लोबल स्टैचर एंड इट हैज ए विजिबल मार्क इन ग्लोबल एरेना एज द लार्जेस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड डेमोक्रेसी। आई एश्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दैट नेपाल फुल्ली सपोर्ट्स इंडियाज एस्पिरेशन फॉर ग्रेटर रोल्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात दोस्ती की, रिश्तों को सुधारने की और एक दूसरे के साथ खड़े होने की हुई, लेकिन इन बातों को जमीन पर लाने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।